नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डनवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। टनकपुर बनबसा खटीमा क्षेत्र का वो निरीक्षण करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। राहत और बचाव कार्यों की अधिकारियों से समीक्षा भी लेंगे। कुमाऊं के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश जारी है, तो उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश का सितम जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल बरस रहे हैं। इस दौरान नेपाल में भी जिस तरह से जल प्रलय आया है, उसके बाद उसका प्रभाव उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में देखने को मिल रहा है। बात करें मैदानी क्षेत्रों की, जैसे खटीमा में हमने देखा था बीते दिन किस तरह से बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्या का सुध लेते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। टनकपुर बनबसा खटीमा ये वही क्षेत्र है जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। निरीक्षण के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। राहत और बचाव कार्य किस तरह से चल रहे हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ किस तरह से कार्य कर रहे हैं, इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। तो कुमाऊं के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बीते 4-5 दिनों से कुमाऊं के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बादल बरस रहे हैं। इसी को देखते हुए कई सारे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात है। बीते दिनों खटीमा से तस्वीरें सामने आई थी जहां खटीमा में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। सड़क से लेकर लोगों के घरों तक पानी घुस गया था, लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया है और हवाई सर्वेक्षण उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया। स्थलीय निरीक्षण भी वो करेंगे जिसमें टनकपुर बनबसा और खटीमा शामिल है। ये आसपास के वो क्षेत्र हैं जहां फिलहाल लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि हवाई और स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों से भी जाकर वो मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, अधिकारियों की बैठक लेंगे। किस तरह से इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, लोगों को किस तरह से राहत दी जा रही है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को किस तरह से बचाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मॉनसून उत्तर भारत में दस्तक दे चुका है, लगातार बारिश का दौर जारी है जहां पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जहां पहाड़ों में भूस्खलन या लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं उत्तराखंड के पास नेपाल में भी जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है। नेपाल में जिस तरह से बादल बरस रहे हैं, उसका असर साफ तौर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आप नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह को देख सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। हल्द्वानी की ये तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह से कुमाऊं के ज्यादातर क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है, बीते 5 दिनों से कुमाऊं के क्षेत्र में बादल जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए, हवाई और स्थलीय निरीक्षण दोनों करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार बारिश की वजह से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है और जो आसपास के क्षेत्र है वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। टनकपुर बनबसा खटीमा ये वही क्षेत्र है जहां बीते दिन हमने तस्वीरें देखी कि लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात थे, घुटनों तक पानी जमा हुआ था। ये आपको हल्द्वानी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं, साथ में उनके साथ नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह।
तो कुमाऊं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मॉनसून का कहर देखने को मिल रहा है। कुमाऊं में बीते 5-6 दिनों से लगातार झमाझम बादल बरस रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आप नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह को देख सकते हैं। हल्द्वानी की ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे हुए हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। हल्द्वानी की गौला नदी ये है जो बारिश के बाद पूरी तरह से उफान पर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण भी किया। वहीं थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे, बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। तो जहां लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश जमकर हो रही है। कुमाऊं की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश का कहर कुमाऊं मंडल में देखने को मिल रहा है। इस दौरान जो पहाड़ी क्षेत्र है कुमाऊं के, वहां भूस्खलन काफी ज्यादा बारिश की वजह से हो रहा है। जगह जगह सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। वहीं जो मैदानी क्षेत्र है वहां बारिश की वजह से जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। हालांकि आज हल्द्वानी में मौसम थोड़ा बहुत सुहाना है, लेकिन नदी नाले पूरी तरह से उफान पर। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई और स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया। इस दौरान उनके साथ नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह मौजूद रही। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं आज नैनीताल जिले के हल्द्वानी में पहुंचे, क्योंकि हल्द्वानी को कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर या कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यही वजह है, ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हवाई निरीक्षण किया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा कुमाऊं मंडल इससे प्रभावित है, क्योंकि जहां पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल बरस रहे हैं, वहीं कुमाऊं के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं, कई सारे मैदानी क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हवाई निरीक्षण उन्होंने किया। अब है क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, इस समय स्वयं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। गोलाबाग जो इंटरनेशनल स्टेडियम है या उसके आसपास के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय जो बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसका निरीक्षण वहां पर कर रहे हैं। इस दौरान ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ जिले की जो जिलाधिकारी है वंदना सिंह वो यहाँ पर मौजूद है, जिले के पुलिस कप्तान प्रहलाद मीणा वो यहाँ पर मौजूद है और जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से पिछले 4 दिनों से लगातार इन क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिली है, उससे नदियां और नाले जो अपने उफान पर थे उसके चलते बाढ़ से कई लोग यहाँ पर प्रभावित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी पुष्कर सिंह धामी स्थल निरीक्षण के बाद उन सभी बाढ़ प्रभावितों से भी वहाँ पर मुलाकात करेंगे, उनके दुखों को जानने का काम वहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इस दौरान आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी होंगे वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से त्वरित सहायता वहाँ पर दी जा सकती है। अभय, जिस तरह से कुमाऊं में बीते 5-6 दिनों से लगातार बादल बरस रहे हैं, बाढ़ जैसे हालात कुमाऊं के कई सारे क्षेत्रों में, चाहे हल्द्वानी हो, खटीमा हो, हमने तस्वीरें देखी थी, किसानों को काफी ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है, क्या माना जाए, क्या किसानों को बड़ी सौगात या कुछ राहत यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी राहत का ऐलान यहां पर कर सकते हैं? ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी हल्द्वानी में है, हल्द्वानी में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे,
से सीधा संवाद यहाँ पर रहेगा, अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। इसके बाद कुमाऊं के ही दूसरे क्षेत्र यानी टनकपुर बनबसा जो क्षेत्र है, चंपावत का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण। ठीक है, अब है यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, निरीक्षण किया उन्होंने। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अमित चौधरी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से कुमाऊं में लगातार बीते चार पांच दिनों से बादल जमकर बरस रहे हैं, काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है, क्योंकि हल्द्वानी क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, ऐसे में वहां पर जिस तरह से लगातार बादल बरस रहे हैं, बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल बात की है तो पूरे कुमाऊं में पिछले तीन से चार दिन से लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है, और उसी के साथ आज 24 घंटे का आज फिर रेड अलर्ट जारी किया है नैनीताल जिले में और ऊधमसिंह नगर जिले में, जिसके तहत सभी स्कूलों में आज भी छुट्टी है। और क्योंकि कुमाऊं में लगातार जिस प्रकार से बारिश के बाद जो आपदा के हालात बने हैं, उसका निरीक्षण करने खुद पुष्कर धामी आज कुमाऊं दौरे पे निकले हैं। अभी वो हल्द्वानी पहुंचे थे अपने सूक्ष्म दौरे के दौरान, अभी वो बनबसा के लिए रवानगी यहाँ से कर चुके हैं। और हल्द्वानी में जो यहाँ पर स्थिति निरीक्षण उन्होंने कई जगह पर किया, जो गौला के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या स्थिति है उसका जायजा यहाँ पर स्थानीय प्रशासन से लिया है। और जो हल्द्वानी के अंदर जो गोलापार में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, वहाँ भी एक भूमि का कटान हुआ था गौला नदी के चलते, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। जिस तरह से झमाझम बारिश कुमाऊं में देखने को मिली, गौला नदी जो है वो पूरी तरह से उफान पर थी, आसपास जो गौला नदी के पास के जो क्षेत्र है जहां लोग रहते हैं वहां भी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। अमित, जैसा आपने कहा कि स्थानीय उन्होंने इससे पहले हवाई निरीक्षण किया, क्या लोगों से मुलाकात कर चुके हैं बाढ़ प्रभावित लोगों से, इसके बाद अब मुलाकात करेंगे? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, दौरा था हल्द्वानी का, वो हल्द्वानी पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जो भू घटान हुआ था उसका निरीक्षण किया और साथ ही वहाँ की स्थिति का जायजा लिया, क्योंकि उनको बनबसा निकलना था। और उसके दौरान उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों के साथ वहाँ पर स्टेडियम में जाकर के जब उन्होंने निरीक्षण करा गौला नदी का, जिस प्रकार से कटान हुआ है भूमि का, वो लेकर के लगातार जरूरी निर्देश दिए और अधिकारियों से समझा उन्होंने की क्या स्थिति यहाँ पर थी। गौला नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बारिश के कारण बढ़ रहा था और आसपास के जो लोग, हालांकि प्रशासन ने मानसून शुरू होने से पहले जो गौला नदी के आसपास के क्षेत्र थे वहाँ के लोगों को रेड अलर्ट जारी कर दिया था और नोटिस भी जारी कर दी थी कि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। और जब यहाँ पर बारिश जब अत्यधिक हुई, जो लोग के गर्म पानी हुए, तो लोग प्रशासन ने लोगों को अभी महज मानसून की शुरुआत हुई है। हालांकि उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया है, इसके बाद किस तरह से प्रशासन क्या कुछ तैयारियां करता है ताकि आगे लोगों को दिक्कत ना हो, उस पर सभी की निगाह है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अभय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू के कठुआ में हुए हादसे पर दुख जताया है। सीएम धामी ने ट्वीट किया कि कठुआ में आतंकियों द्वारा किए गए कायराना हमले में जनपद टिहरी के आदर्श नेगी के शहीद होने का समाचार काफी दुखद है। मां भारती की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त आदर्श नेगी का यह सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहन करने की परमात्मा शक्ति दे। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीते दिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों की एक बस को टारगेट किया था, ग्रेनेड से हमला किया था। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें उत्तराखंड के आदर्श नेगी भी शामिल थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कठुआ हादसे पर दुख जताया है और आदर्श नेगी को श्रद्धांजलि दी है। खबर पौड़ी से है, जहां 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण कर प्रदेशवासियों को पर्यावरण के लिए जागरूक होने का संदेश दिया है। साथ ही अपने भ्रमण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुकानदारों, छात्रों के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही लोगों से प्रदेश सरकार की नीतियों और संचालित विकास कार्यों पर प्रतिक्रिया और सुझाव भी लिए।
वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा विभाग में डीजी ने एक्शन लिया है, उच्च अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई है। विभाग ने 108 अधिकारियों का वेतन रोका है, 13,625 प्रधान अध्यापकों का वेतन रोका गया है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने इस चीज के आदेश दिए, शिक्षा के तहत दी गई धनराशि खर्च न करने पर यह कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बड़ा एक्शन लेते हुए उच्च अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। विभाग ने 108 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है, 3,625 प्रधान अध्यापकों का वेतन रोका गया है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने यह आदेश लिया। आपको बता दें कि शिक्षा के तहत दी गई धनराशि खर्च ना करने पर यह बड़ी कार्रवाई। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी के आदेश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें उच्च अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई गई है। विभाग ने 108 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है और शिक्षा के तहत दी गई धनराशि खर्च ना करने पर यह कार्रवाई की है। सीधा रुख कर लेते हैं, लगातार अभय कैंतुरा हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बड़ा आदेश देते हुए ये बड़ा एक्शन लिया है, शिक्षा के तहत जिस तरह से धनराशि नहीं खर्च की गई उसके बाद ये कार्रवाई हुई और कई उच्च अधिकारियों का यहाँ पर वेतन रोका गया है, क्या जानकारी? अब ऐसे संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शिक्षा विभाग में डीजी ने बड़ा एक्शन लिया है, उच्च अधिकारियों के वेतन पर डीजी ने रोक लगा दी है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने यह आदेश जारी किया, जिस तरह से शिक्षा विभाग में लापरवाही देखने को मिली, जो राशि जो विकास कार्यों के लिए दी गई थी, शिक्षा के लिए दी गई थी, वो सही तरह से खर्च ना करने पर डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने यह आदेश दिया और यह बड़ा एक्शन लिया गया, जिसके तहत उच्च अधिकारियों का वेतन रोका गया है। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किया और शिक्षा के तहत जो धनराशि प्रदान की गई थी वो धनराशि सही तरह से खर्च ना करने पर यह कार्रवाई की है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखो, शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो स्कूलों को जो धनराशि यहाँ पर दी गई थी, उस राशि को खर्च करने में प्रधानाध्यापकों की तरफ से झुलमुल रवैया अपनाया गया। कई ऐसे स्कूल यहाँ पर मौजूद है जिनकी तरफ से दी गई धनराशि में एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया और ना ही उसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर देने का काम प्रधानाध्यापकों की तरफ से किया गया। यही वजह रही कि जब उन सब चीजों की डिटेल विभागीय स्तर पर उच्च अधिकारियों की तरफ से मांगी गई तो विभाग के जो निचले स्तर के जो कर्मचारी थे उनकी तरफ से उन सूचनाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया गया, जिस पर डीजी शिक्षा की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। 108 अधिकारियों और 13,625 प्रधानाध्यापकों के वेतन रोकने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। शिक्षा की तरफ से कितने महीने का वेतन यहाँ पर रोका गया है? जी, अभी ये कह सकते हैं कि जो आदेश में कहा गया उसमें सीधे साफ तौर पर कहा गया कि कार्रवाई पूरी होने तक सभी प्रधानाध्यापकों का वेतन यहाँ पर रोका जाएगा और जब तक पूरी डिटेल कह सकते हैं कि जब तक सभी साक्ष्य जमा नहीं मौजूद किए जाते हैं, यानी जो बजट से रिलेटेड जो पूरी कार्रवाई होती है जब तक उसको पूरा यहाँ पर नहीं जमा किया जाता है शिक्षकों की तरफ से, तब तक उनका वेतन रोकने के काम यहाँ पर जारी रहेगा। जी ठीक है, अब आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं चमोली से बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। जोगी धारा के पास सड़क पर पत्थर गिरने से नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। बारिश के बाद धूप निकलते ही पहाड़ चटकने लगे हैं। तो उत्तराखंड में मॉनसून का सितम लगातार जारी है, पहाड़ों पर झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश रुकने पर धूप निकलते ही पहाड़ों का चटकना शुरू हो गया है। चमोली से बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। जोगी धारा के पास पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर गिरने पर यह हाईवे बंद हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी से चट्टान और पत्थर और बोल्डर गिरे। झमाझम बारिश पिछले दिनों से हो रही थी, बारिश रुकने के बाद जब धूप निकली तो पहाड़ों का चटकना भी शुरू हो गया है। ऐसे में तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से
बद्रीनाथ नेशनल हाईवे मलबा आने से बंद हो गया है। वहीं प्रशासन की तैयारियां भी जारी है, कोशिश की जा रही है कि मलबे को जल्द से जल्द हटाकर हाईवे को एक बार फिर से खोला जा सके। खबर रानीखेत से है, जहां विधायक प्रमोद नैनवाल के नेतृत्व में पिथौरागढ़ सांसद केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री अजय टमटा का बीजेपी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बोर्ड के एकल सदस्य मोहन नेगी और बीजेपी के उमेश पंत और महिला कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला और पुष्पगुच्छ से विधायक ने मंत्री अजय टमटा का स्वागत किया। मतदाताओं की तरफ से उन्हें अभिनंदन पत्र के साथ ही तम्र निर्मित कुमाऊं का विद्या यंत्र नरसिंहा इन्हें भेंट भी किया गया। उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में भारी मतों से लगातार तीसरी बार सांसद भेजने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। रानीखेत सहित कुमाऊं की सड़कों को नई बनाने और दो लाइन लेन बनाने की घोषणा की है। अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा रानीखेत पहुंचे, उनका रानीखेत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रानीखेत के विधायक प्रदीप नैनवाल भी मौजूद रहे। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।